बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड्स हेड ऑन विद द सेकेंड बॉल ऑफ मास एम एट रेस्ट। तो ये वाली है, ये आकर इससे टक्कर मार दी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं ये लोग, यू बोल रहे हैं, मूविंग विद वेलोसिटी वी, अच्छा वी बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने आंसर्स में हर जगह यू लिखा हुआ है, तो भाई वो जो वी है वो ही यू है, ठीक है, समझिए, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू आपको लेना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके पास मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में वेलोसिटीज वी वन और वी टू हुई जा रही हैं। और ये रुका हुआ है, ये वाला चल रहा है। आपको एक और चीज दी गई है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन वी वन, सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन वी टू। ये काफी डेरिवेशन जैसा सवाल है और स्कूल लेवल का है, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा ये सवाल। एनीवेज, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक तो ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो हम लोग ने लिख दिया, इसका क्या मतलब है, वी टू वी वन ये वाली है और यू वन यू टू ये वाली है, ठीक है, यू वन, और आप देख सकते हैं कि यू वन जो है वो यू था और यू टू जीरो था, तो पहली इक्वेशन तो यही हो गई, वी टू माइनस वी वन यू माइनस जीरो, तो वी टू माइनस वी वन क्या हो गया, EU हो गया या UE हो गया, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या कैसे बनेगी, वो बनेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, है ना, LOCM, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, है ना, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी वन, वी वन को मैं यू लिख लेता हूं, प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय जीरो, और ये क्या हो जाएगा, एम वी वन प्लस एम वी टू, ठीक है, एम वी वन प्लस एम वी टू। आप ध्यान से देखें तो भाई ये एम एम कॉमन लेके कट जाएगा, बहुत अच्छी चीज आ गई यहाँ पे कि U इज इक्वल टू वी टू प्लस वी वन, मतलब वी वन प्लस वी टू को मैंने वी टू प्लस वी वन कर दिया, क्यों, ताकि इसके जैसा दिखाई दे। अब ये हो गई दूसरी इक्वेशन, तो U इज इक्वल टू वी टू प्लस वी वन अगर करते हैं, दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को एड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, U कॉमन E प्लस वन इज इक्वल टू टू वी टू, यहां से हम लोगों ने V2 निकाल लिया, E प्लस वन डिवाइडेड बाई यू, या जो भी आपका ऑप्शन है उससे थोड़ा मैच कराता हूं मैं, वन प्लस ई लिख रहे हैं ये लोग, वन प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई यू डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया V2, थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा है। अब उसके बाद V1 भी निकाले तो फिर फाइनल ऑप्शन हमें मिल जाएगा। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, EU इज इक्वल टू V2 माइनस V1 है, आप इसे माइनस कर दीजिए, इसे माइनस कर दीजिए और इसे इसे माइनस करना पड़ेगा ना, ये भी तो पूरा नेगेटिव ही है, हाँ अब ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, EU माइनस U हो जाएगा, U कॉमन ले लिया, तो E माइनस वन हो गया यहां पर। और अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे V1 हटाया, V2 आइसोलेट किया, यहाँ पे हम लोग V2 हटाएंगे और V1 आइसोलेट कर देंगे, तो ये हो गया 2V1, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू E माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई U डिवाइडेड बाई 2, और माइनस 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, अब ये माइनस हटाएंगे, तो चलिए एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, वन माइनस ई डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया यू, ठीक है, तो हमारा V2 आ गया और V1 आ गया, मतलब ये डेरिवेशन का सवाल है, ये मतलब इसको सवाल में डाल दिया है, लेकिन ये मतलब थ्योरी है एक तरीके से। तो चलिए हम लोग अपने ऑप्शंस मैच करते हैं, और मुझे V2 तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, हाँ आई थिंक ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन वन में, और ये भी ऑप्शन वन में दिख रहा है, तो हम लोगों ने सही कर लिया, हमारा आंसर है
ऑप्शन वन।